तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस के बारे में बताएंगे कि डिस्कस को आपको ग्राउंड में कैसे ग्रिप करना है और कैसे उसको रिलीज करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में वुडन का डिस्कस है। तो वैसे कि ये तो वुड का ही होता है और साथ ही साथ इसमें जो कार्बन का होता है, सॉलिड कार्बन का, वो भी होता है। और साइड में आपकी जो रिंग लगी होती है वो आपकी लोहे की ही होती है, जिसको अच्छे से ग्रिप किया जा सके। तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्कस को कैसे ग्रिप किया जाए और उसको कैसे रिलीज़ किया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि दो कैटेगरीज होती हैं, कोई भी गेम प्ले होता है, एथलेटिक्स हो या आपका कोई अदर इंडोर या आउटडोर एक्टिविटी कोई गेम हो, तो दो ही कैटेगरी होती हैं मैन और वुमेन की। उसमें भी कैटेगरी बाद जूनियर और सब जूनियर की कैटेगरी होती है। तो फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं ओपन कैटेगरी के बारे में। तो जो हमारे जो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो डिस्कस देख रहे हैं ये 2 kg का, ये फॉर मैन के लिए है। वुमेन के लिए 1 kg का होता है। तो जितनी भी स्किल्स होती हैं इसको ग्रिप करने की, रिलीज़ करने की, बिल्कुल सेम होती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस इतना सा डिफरेंस होता है कि वो मेल कैटेगरी के लिए होता है और वो दूसरी कैटेगरी जो होती है वो फीमेल की कैटेगरी के लिए होता है। सिर्फ इसका वेट जो है वो डिफरेंट होता है, मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। तो चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे ग्रिप किया जाता है और इसको कैसे रिलीज़ किया जाता है। तो हम जान लेते हैं कि जो आपका पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका जो हैंड है वो कौन सा वर्क करता है, राइट हैंड वर्क करता है या लेफ्ट हैंड वर्क करता है। आपका मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो राइट हैंड ही यूज़ करते हैं। तो पहले जान लेते हैं। तो आप जैसा कि आपको पता है आपका ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है और आपका ये मिड फिंगर है। रिलीज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देता है आपका इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर का ही यूज़ होता है। तो जो भी फिंगर्स होती हैं आपको ध्यान रखना है, ये आपकी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिंगर होती हैं, क्योंकि डिस्कस को जो रोटेशन में लाना होता है, जो रिलीज़ करने का जो मोमेंट होता है वो आपकी इन्हीं 2 ही फिंगर से, इन्हीं 2 फिंगर का यूज़ मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अभी आपका जो पाम है वो आपको पूरा स्ट्रेच कर लेना है। ये पाम पूरा जब स्ट्रेच रहेगा तो ये आपकी जो डिस्क होती है, जो डिस्कस होती है वो आपको ग्रिप करने में आसानी होती है, कुछ इस तरह करने में। देखिए आपका ये थंब है, ये सपोर्टिंग रोल करेगा, आपकी इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर बोथ साथ में रहेंगी, और साथ ही साथ आपकी जो मिड फिंगर के साइड वाली और जो स्मॉल फिंगर है वो उनको हल्का सा सपोर्ट करेंगे, कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे मैंने होल्ड किया हुआ है। और आपका जो हैंड रहेगा प्रैक्टिस के टाइम पर बिल्कुल ये स्ट्रेट रहेगा, कुछ इस तरह। सबसे पहले आपको होल्ड करना सीखना है कि जो डिस्कस है वो आपके हैंड से ड्रॉप ना हो। तो कोशिश करिएगा जितने ज़्यादा एक्सरसाइज करें इसको ग्रिप करने की, और ये जितने ज़्यादा अच्छे से ग्रिप होगी उतने ही अच्छे से डिस्कस जो आपको है रिलीज़ होने में इजी रहेगा। तो देख लिया आपने, तो इसको कैसे ग्रिप करना है, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है। एक्सरसाइज करने के बाद जो इसकी जो अदर एक्सरसाइज होती है वो इसको कुछ क्रॉस करके होती है, कुछ इस तरह। जितना आप डिस्कस के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, जितनी बार इसके साथ रोटेशन और रैप्स निकालेंगे डिस्कस को लेकर, तो ये जितना अच्छे से ग्रिप बन जाएगी तो आप उतने ही आसानी से इसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा घर पे आपके साथ कोई बुक्स हो, कुछ ऐसा फ्लैट ऑब्जेक्ट हो जिसको आप ग्रिप करें, और कोशिश करिएगा कि उसको होल्ड रख सकें। अगर आपसे होल्ड अगर नहीं हो पा रहा है तो मानिएगा आप कि डिस्कस आपका 100-100% गिरना है। अगर आपने वही चीज़ फ्लो में करना सीख लिया तो इजी से आपका डिस्कस जो है होल्ड हो सकता है। सिर्फ इस वीडियो में आपको ये बताना है कि डिस्कस को कैसे आपको ग्रिप करना है। रिलीज़ करने के लिए मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इसके बाद जो इसको कैसे प्रॉपर सेक्टर में अपने रहकर वो उसको कैसे थ्रो किया जाता है, कैसे उसकी जो प्रो एंड कॉन्स होते हैं वो आपको आने वाले वीडियो में जल्दी ही बताने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमेंट है इससे रिलेटेड टॉपिक से तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा।